बिल्कुल पीपल, कैसे हैं आप? आज मेरी जो वीडियो है ये अगेन एंजल सीरीज का ही एक पार्ट है और बहुत ही पावरफुल नंबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका मीनिंग बहुत ही अमेजिंग है एंड बहुत लोग हैं आई एम श्योर जिनको ये नंबर दिखाई देता है और ये पावरफुल नंबर है। इस नंबर को मैं बोलती हूँ विश मैनिफेस्टेशन नंबर, क्योंकि ये नंबर एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि नंबर आपकी विश फुलफिल करता है। तो ये नंबर है 1111। जैसे आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि वन नंबर की जो पावर होती है, वन नंबर की एनर्जी होती है बहुत ही पॉजिटिव होती है। वन नंबर का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग, यू नो इज हैपनिंग इन योर लाइफ, यू आर मूविंग टुवर्ड्स न्यू डायरेक्शन। नंबर वन इज वेरी पॉजिटिव नंबर। सो एंड अब इसमें नंबर वन जो है 4 बार, इट मीन्स इसकी पावर, इसकी एनर्जी जो है वो एम्पलीफाई हो गई है। सो नाउ इट हैज बिकम मोर पावरफुल नंबर। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको 1111 दिखाई देता है तो क्या मतलब होता है इसका। सबसे पहला मतलब, इफ यू आर कीप ऑन सीइंग 1111, यू नो इट मीन्स दैट एंजल्स वांट टू टेल यू दैट यू आर ऑन राइट पाथ, डोंट वरी, यू आर ऑन राइट पाथ, न्यू बिगिनिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ, यू नो न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे, यू नो एंजल्स विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज योर लाइफ, यू नो टू स्टार्ट योर लाइफ सो दैट यू विल गो टुवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन। सो डोंट वरी, डोंट गेट अफ्रेड ऑफ द चेंजेस, क्योंकि जो भी चेंजेस देखिए हमारी लाइफ में आते हैं, जब भी आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से जाते हैं तो ऑब्वियसली वो इनिशियली वो थोड़ा टफ लगता है, हमें लगता है कि क्या हो रहा है, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड एक्चुअली, यू नो हम कभी प्रिपेयर नहीं होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो जब एक नया फेज आपकी लाइफ में आता है तो हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट एवरीथिंग हैपन्स फॉर योर हाईएस्ट गुड। सो एंजल्स वांट्स टू टेल यू दैट सिंस इट इज अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ, डोंट गेट अफ्रेड, we are with you and you need to, you know, come out of your comfort zone because जब आप एक नए फेज में जा रहे होते हो तो आपको you know सब कुछ अपना पिछले छोड़ के जाना होता है। सब न्यू, इट्स लाइक कंप्लीट न्यू फेज आपका आ रहा है तो आपको उसको सेटल करना है। सो एंजल वांट्स टू टेल यू दैट न्यू फेज इज कमिंग इन योर लाइफ, यू आर गोइंग टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन। सो बी हैप्पी, बी पॉजिटिव फॉर दैट। ट्रांसफॉर्मेशन से डरिए मत, यू नो उसको एक्सेप्ट कीजिए। हमारी लाइफ में जब भी चेंजेस होते हैं ना, वी जनरली व्हाट वी डू, वी गेट अफ्रेड ऑफ दोस चेंजेस, बट यू नीड टू एक्सेप्ट दोस चेंजेस एंड देन वर्क टुवर्ड्स इट। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज दैट समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ एंड इट कुड बी एनीथिंग दैट डिपेंड्स ऑन कि उस टाइम पे आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, उस टाइम पे आपके थॉट्स क्या है। सो द फर्स्ट मैसेज इज दैट something beautiful is going to happen in your life, new beginning, new opportunities, something new, you know, new, completely altogether new phase. So it is a very powerful message from angels to you. Second message, 1111, you know, जब भी I'm sure, I don't know आप लोग भी feel करते हैं, but whenever I see this 1111, you know, on my phone, I don't know, I literally get this feeling that yes, it gives me a powerful number वाला feeling, it actually gives me. I mean 1111 देख के अलग वाली फील आती है। आई एम श्योर आप लोगों को भी लगता होगा, यू नो, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ही पावरफुल नंबर है एंड ऐसा लिटरली माना जाता है कि यू नो जब आप 1111 देखते हैं सो इट उस टाइम पे जो आपके थॉट्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं बिकॉज व्हेन यू सी 1111 उस टाइम पे जो एक गेट होता है, यू नो डोर होता है टू हेवेंस, वो ओपन होता है। यूनिवर्स इज एक्चुअली ब्लेसिंग यू, यू नो यू, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस। मैं इस नंबर को विश फुलफिलमेंट नंबर बोलती हूँ, विश मैनिफेस्टेशन नंबर बोलती हूँ, क्योंकि लिटरली ऐसा माना जाता है कि जब आप 1111 देखते हैं सो यू नीड टू मेक अ विश, वॉच योर थॉट्स। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं सो योर नेगेटिव थिंग विल कम इनटू रियलिटी, यू नो, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, यू नो, कि अगर व्हेन यू सी 1111 मेक अ विश। अगर आप कुछ चाहते हैं तो अपनी विश, यू नो, मांगिए उस टाइम पे, आस्क, टेल द यूनिवर्स व्हाट यू वांट एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट योर थॉट्स आर वेरी पावरफुल। आप उस टाइम पे कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं बिकॉज एज आई से इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन व्हाटएवर योर थॉट्स कम्स इनटू रियलिटी। सो यू नीड टू बी पॉजिटिव, मेक अ विश एंड देन सरेंडर टू यूनिवर्स। ठीक, जो भी आप चाहते हैं, जैसे भी आप की सिचुएशन चल रही है, जस्ट मेक अ विश एंड ऑलवेज आफ्टर सेइंग अ विश ऑलवेज से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंजल्स को थैंक यू बोलिए, बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है ये। सो अब से अब जब भी आप 1111 देखते हैं इमीडिएटली आस्क, मेक अ विश एंड से थैंक यू टू द यूनिवर्स। थर्ड जो इसका मतलब होता है दैट इज टूवर्ड द स्पिरिचुअलिटी. व्हेन यू सी दिस नंबर इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी. आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है. यू आर बिकमिंग मोर एनलाइटमेंट, यू आर बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल. सो इट सेज दैट यू नो your subconscious mind is actually becoming more active. You know, your subconscious mind is working towards your you know your thoughts. I mean इस time पे आपके thoughts और जो आपके actions हैं वो बहुत जल्दी manifest होते हैं. So this is again I realize that a very powerful number. आपको इस पूरे number का जो message है वो ये है that you have to watch on your thoughts. आपको अपने thoughts पे focus करना है कि कहीं आप negative तो नहीं हो रहे हैं. You need to be positive. बिकॉज जैसा आप सोचेंगे जैसा आप बोलेंगे, क्योंकि नंबर की पावर है कि मैनिफेस्ट करता है बहुत जल्दी, तो आपकी ड्रीम्स आपके थॉट डेफिनेटली मैनिफेस्ट होंगे. बट यू हैव टू वॉच आउट कि आप उस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं. आई एम श्योर एवरी वन वॉन्ट्स पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस इन देयर लाइफ. सो वॉच योर थॉट्स. नेक्स्ट पॉइंट जो होता है इसका वो ये होता है, मतलब जो होता है वो ये होता है दैट यू नो यूनिवर्स एंजल्स वांट्स यू टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट. एंजल्स वांट यू टू यू नो लव योरसेल्फ. बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमारी सेल्फ एस्टीम इतनी लो हो जाती है. यू नो वी लुक फॉर वैलिडेशन, यू नो वी लुक फॉर एक्सेप्टेंस फ्रॉम पीपल. यू नो वी रियली इट रियली मैटर्स टू अस व्हाट दे थिंक ऑफ अस, हाउ दे परसीव अस, यू नो व्हाट दे हाउ दे टेक अस. तो हमारे लिए बहुत मैटर कर जाता है. कई बार हमें लगता है कि यार वो मेरे बारे में अच्छा नहीं बोल रहा है, यू नो देन वी फील सैड या वी फील कि यार यू नो दैट पर्सन इज नॉट कंसीडरिंग मी. हम लोग अपने बारे में नहीं सोचते. सो व्हेन यू सी दिस नंबर एंजल वांट्स टू टेल यू दैट प्लीज सेल्फ वर्थ किसी की एक्सेप्टेंस से नहीं आती है कि कोई आपको एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे हमारी यू नो वैल्यू पता नहीं चलती है. सेल्फ वर्थ कम्स फ्रॉम विद इन. एक्सेप्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ. एंजल वांट्स यू टू लव योर सेल्फ. दैट इज द मैसेज ऑफ दिस नंबर. अगर आपके अंदर भी ये वाली फीलिंग है, इफ यू हैव लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इफ यू हैव लो सेल्फ एस्टीम, एंजल क्लियरली वांट्स टू टेल यू दैट प्लीज वर्क ऑन यू, एक्सेप्ट यू हाउ यू आर. And the moment you will accept you, then you will see कि you know it will literally hardly matter to you कि what other person is thinking of you या वो लोग आपको कैसे ले रहे हैं. क्योंकि जब आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, when you know your self worth, then आपको किसी की परवाह नहीं होती है. You give a damn what people are talking about you. Trust me. And लेकिन वो कब आएगा, जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो फीलिंग नहीं आएगी. You will always look for validation. You will always look that people should appreciate you. People should give you compliment. People, you know, should accept you. No, don't do that, please. You are a very beautiful individual. Accept yourself. And अगर आपको लगता है कि कोई कमी है, कोई flaw है, उस पे काम कीजिए, उसको improve कीजिए, rather than looking, depending on other people. So this is a beautiful number. You know, मैं इस number से सिर्फ आपको यही बोलना चाहूँगी कि whenever you see this number, अगर आपको repeatedly दिखाई दे रहा है, focus on your thoughts. Very powerful number for manifestation. आपकी विश डेफिनेटली जरूर फुलफिल होगी, बट अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए. जैसा आप आज सोचेंगे वो ही होगा. यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू. यूनिवर्स ब्लेसिंग इज विद यू. एंजल्स ब्लेसिंग इज विद यू. सो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए. सो बी पॉजिटिव, खुश रहिए, हमेशा अपनी लाइफ में रहिए, खुश रहिए. किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. यू नो आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा. मैं सबको यही बोलती हूँ दैट सेल्फ लव इज द की. यू नो अगर आप अपने हम बोलते हैं और लोग आपस में लोग सब बोलते भी हैं दैट या आई लव माई सेल्फ, आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ, बट ऐसा होता नहीं है. तभी वी यू नो चेज पीपल इन आवर लाइफ, तभी वी रन आफ्टर पीपल, वी फील इट बिकॉज ऑफ देम आवर लाइफ इज इनकम्प्लीट. नो, वो सिचुएशन आने ही मत दीजिए. अपने आप को इतना फुलफिल कर लीजिए ना अपने सेल्फ लव से कि आपको किसी की जरूरत ही ना पड़े. सो आई होप दैट यू कैन कनेक्ट विद दिस वीडियो. आई होप आप जब भी आप 11/11 देखें, आप यू नो जस्ट मेक अ विश and see how it manifests in your life. और अगर आपके लाइफ में एक्सपीरियंस किया है अपने इस नंबर के बारे में, मुझे आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में. एंड आई रियली थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड लविंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड कॉमेंट इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ लवली डे. बाय बाय.